नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में कृषि के बारे में। आज हमारा ये पार्ट फोर्थ होगा जिसमें और आगे हम जो फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगा जो प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं जो राजस्थान के अंदर बोई जाती हैं, तो उनका बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले प्रमुख व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हम देखते हैं गन्ना के बारे में। तो गन्ने के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो गन्ना देखिए, ये एक उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल, इसके बारे में बताया हुआ हूँ। उष्ण उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, ठीक है। फिर बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ इसका उपयोग के बारे में। आपको पता होगा चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खांड बनाई जाती है, और साथ में इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसका कचरा रहता है उनसे क्या शराब बनाई जाती है और ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और साथ ही साथ पशुओं को चारा खिलाने के अंदर तथा कागज बनाने में भी इसका जो गन्ना का उपयोग होता है, ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई। फिर बढ़ता हूँ आगे, जो गन्ने के लिए जो दशाएं होती हैं, सामान्य दशाएं क्या क्या आवश्यक होती हैं उनके बारे में बात करूँ, तो उसका औसत तापमान होता है, उस तापमान की कितनी ज़रूरत होती है तो वो भी देख लेते हैं। तो इसके औसत तापमान की मित्रों जरूरत होती है 15 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसके तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जो इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है, इस वार्षिक वर्षा की बात करें इसकी कितनी आवश्यकता होती है, तो मित्रों इसकी आवश्यकता होती है 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी, 125 से 165 सेंटीमीटर के बीच में गन्ना के लिए जो बारिश की आवश्यकता होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं कि इसके लिए कौन सी मिट्टी जो उपयुक्त रहती है, तो हम बात करते हैं कापी मृदा। कौन सी मृदा, कापी मृदा। जब मृदाओं के बारे में मैंने बताया है, भारत की मृदाओं के बारे में बताया हुआ है और राजस्थान की मृदाओं के बारे में भी बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। काफ़ी मृदा प्रयुक्त होती है, लेकिन चिकनी व काली मिट्टी के अंदर भी, चिकनी काली व दोमट मिट्टी के अंदर भी उत्पादन होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है काली, ये काफ़ी मृदा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। और अगर आप एक गन्ने की फसल एक साल के अंदर बोते हो तो आप 3 से 4 5, एक बार बोते हो तो 3 4 5 वर्षों में काट सकते हो, ठीक है, इनकी फसल ले सकते हो, ये भी बात आपको याद रखनी है। और विश्व की बात करूँ, विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है कौन सा, ब्राज़ील। कौन सा देश है, ब्राज़ील। और उसके बाद नंबर आता है हमारे भारत का, तो द्वितीय स्थान, सेकंड स्थान किसका हो गया, इंडिया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों में जो उत्पादन होता है भारत के, उस उत्पादन की बात करें, राज्यों के अंदर बात करूं मैं तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, राज्यों में उत्पादन की बात है, क्षेत्रफल की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन वही हमारा राज्य है, सबसे बड़ा भारत का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा, यूपी। तो यूपी में सर्वाधिक, ठीक है, उत्पादन होता है, ये फर्स्ट नंबर पे है। जो कौन सी है, उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का जो प्रथम है वो कौन सा गन्ना उत्पादन में, यूपी। इसी प्रकार दक्षिण भारत की बात कर ले या फिर दूसरे स्थान की बात कर ले तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ये दक्षिण भारत के अंदर प्रथम स्थान पे है और भारत के अंदर द्वितीय स्थान पे। मित्रों इतनी बातें कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारी कोचिंग के अंदर ही मिल पाएगी आपको। और इतनी बातें देखनी हो तो हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी जो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो उन्नत किस्मों में बात करें जिनका नाम है को 419, को 449, ठीक है, और को 997, और को 527, को
1007 O111 111 Co1253 ठीक है, और Co7767 Co7767। ये मैंने जो इसकी किस्म है, उन्नत किस्म है, इनके बारे में आपको बताया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर बाई चांस आ जाए। इनके जो प्रमुख उत्पादक है राजस्थान के अंदर, उन जिलों की बात करें, तीन चार के नाम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद नाम बोलूँगा। तो प्रमुख उत्पादक जिले हैं उसके अंदर, नंबर आता है बांसवाड़ा, गंगानगर, ठीक है, बूंदी और अन्य चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, उदयपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर, इन जगहों पर भी जो गन्ने का उत्पादन होता है। तो ये बात की मैंने गन्ने के बारे में। फिर बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो नेक्स्ट फसल है वो है कपास की। तो कपास के बारे में बात करता हूँ। दूसरा स्थान किसका नंबर आता है? कपास का। तो बात करते हैं कपास के बारे में, ठीक है। तो कपास के बारे में बात करूं, इसके लिए कुछ विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, वहां पर इनका उत्पादन होता है। तो क्या क्या दशाएं जो उपयुक्त होती हैं, इनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके जो औसत तापमान की, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। तो एवरेज टेम्परेचर बुवाई के समय अलग होता है, कटाई के समय अलग होता है, ठीक है, लेकिन रेंज वही 20-25, 15-35, इनके बीच में ये चलता है। तो 20 डिग्री से, ठीक है, लगा के 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य, ये कब? बुवाई के समय है। और कटाई की बात करूँ, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए, किसके लिए? कपास के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करता हूँ औसत वार्षिक वर्षा की, ठीक है। जितना भी मैं लिखता हूँ ये औसत एवरेज है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा ये कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से लगाकर 100 सेंटीमीटर। और साथ में अगर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है तो सिंचाई के द्वारा भी इसकी खेती की जाती है। फिर बात करते हैं जो इसके लिए जो प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो इसके लिए काली मिट्टी सबसे प्रयुक्त उपयुक्त होती है, और साथ में काली व चिकनी मिट्टी भी। फिर बढ़ते हैं आगे मित्रों, बात करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपास को छूटने के लिए यानी उसको लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इस कारण इसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग की बात करूँ मैं, तो इनके उपयोग की बात करें तो इनके सूती वस्त्र बनाए जाते हैं मित्रों इनके, ठीक है, सूती वस्त्र। और जो इनके बिनौले होते हैं आपने देखे होंगे, और इन बिनौलों से तेल और पशुओं के लिए खाद्य, बिनौलों से क्या, तेल और पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, ये बोलते हैं कि जो भैंसे गाय वगैरह पशु होते हैं वो अधिक दूध देते हैं, इन लोग खिलाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने बताई। अब मैं बात करता हूँ जो विश्व में उत्पादन के अंदर कौन कौन से जो प्रमुख देश हैं कपास के अंदर, इनकी बातें कर लेते हैं मित्रों। तो देखिए यहाँ पे तो विश्व में उत्पादन की बात करूं, तो सबसे जो पहला स्थान है वो इसके अंदर किसका आता है? चीन का। दूसरा स्थान आता है मित्रों यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा स्थान आता है हमारे भारत का, और चौथा स्थान आता है किसका? पाकिस्तान का। तो ये मैंने चार नाम बता दिए आपको, चीन, यूएसए, भारत और पाकिस्तान। और उसके बाद बात करते हैं जो भारत में उत्पादन होता है उनके बारे में बताऊं कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उत्पादन कहाँ पे होता है, पहले स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पे कौन आता है, इनके बारे में बात करूं। तो सबसे ज़्यादा
उत्पन्न होता है, वो मित्र होता है गुजरात के अंदर, जहाँ हम बात करेंगे जब सूती वस्त्रों की बात करेंगे, इनकी मिलों के बारे में बात करेंगे, तो क्या कहते हैं, क्या नाम है, सबके बारे में बताऊंगा, तो आप वहाँ से बने रहना। सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर, और दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। फिर बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ इसकी जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, उन किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो किस्मों की बात करूँ मित्रों, तो ये किस्म है नरमा, क्या नाम है, नरमा किस्म। और ये जो किस्म कहाँ पे उगाई जाती है, तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पे उपयोग में ली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। इसी प्रकार एक जो फसल का ये किस्म का विकास किया गया, बीकानेरी नरमा, क्या नाम, बीकानेरी नरमा। फ्रेंड्स ये 1976 के अंदर इसका निर्माण किया गया था एक किस्म का, ठीक है। और इसके रेशे की लंबाई होती है मित्रों, इनके रेशे की लंबाई जो रेशा होता है उसकी 23 सेंटीमीटर तक इनकी रेशों की लंबाई होती है, किसकी, बीकानेरी नरमा की। और इसके अलावा भी आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ अन्य किस्में, RST9, क्या क्या नाम है, RST9, ठीक है लिख देता हूँ, RST9। और अमेरिकन कपास की किस्म है RST 875। और ये मित्रों क्या है, अमेरिकन कपास की जो फसल है। और उसके अलावा RHS 16, ठीक है। और है मित्रों PST 9, Shankar 4, वीरनार, और है वरालक्ष्मी, JR J8। ये सब बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि आपको डिटेल समझ रहे हो तो डिटेल से अध्ययन हो जाए आपका, ठीक है, नहीं तो मैं भी आपको 4 लाइनों के अंदर ख़त्म कर देता। फिर बढ़ते हैं आगे, इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो मित्रों ये दोनों जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है, ये प्रमुख उत्पादन जिले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मित्रों जो और कौन कौन से जिले हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, तो अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर और पाली। अब मैं बात करता हूँ जो तीसरी फसल है वो है तंबाकू। तंबाकू के बारे में हम अध्ययन करें, ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है मित्रों, फिर बढ़ते हैं बात करते हैं इसकी सामान्य दशाएं कौन कौन सी हैं। इस दशाओं के बारे में बात करूं तो इसके जो औसत टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, औसत तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो औसत तापमान की आवश्यकता कितनी होती है मित्रों, तो 16 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करूं तो वो जरूरत पड़ती है इसके लिए मित्रों 50 सेंटीमीटर से लगा के 100 सेंटीमीटर के मध्य। इसका जो उपयोगिता आपको बताइए, कौन कौन करते हैं उनको पता होगा, नहीं करते हैं उनको पता होगा, सबको पता है किसके लिए, धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्पादक जिले, उत्पादक जिलों के बारे में बात करूं, उत्पादक जिले इसे प्रमुख है अलवर है, दौसा है, झुंझुनू, जयपुर, जालौर, करौली, यहाँ पर भी इनका उत्पादन होता है मित्रों, ठीक है। तो ये मित्रों मैंने बात की किसके बारे में, प्रमुख व्यापारिक फसलें थी इनके बारे में मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ूंगा आगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान कृषि जो बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे वीडियो, तो आप वीडियो देखिए एंड तक देखना मित्रों, और आपको पसंद आए वीडियो तो मत सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।